तो गाइस ये यहाँ से देखो लेयर इतना ज्यादा भयंकर पानी था कि वहां से निकल के वहां से फाड़ के उधर साइड से पूरा फाड़ते हुए ये पूरा एरिया यहाँ तक आया है। यहाँ भी किसी का घर है देखो, उसके घर के ये चेक कर रहा है, नया घर बना हुआ लोगों का, ये वाला देखो करता हूँ। ये देखो इतना ज्यादा प्रेशर था पानी का कि पूरा ये घर सब खत्म हो गया है। मॉर्निंग एवरी, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अनदर डे। और गाइज आज है 13 या 14 अगस्त और कल रात बहुत ज़्यादा भयानक मौसम हो गया था थराली में, तो आपको मैं दिखा दूँ। गाइज आप चेक कर सकते हैं, रात बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम हो गया था और ऊपर कहीं रतलाम साइड बादल पड़ गया था। सो ये चेक करो आप यार, सब कुछ बह चुका है। यहाँ एक ब्रिज था ये वाला, एक वाला वहाँ गाड़ी चलने वाला था, दोनों ब्रिज थे, मतलब एक तो काफ़ी पुराना था, तो दोनों बह चुके हैं। और इधर साइड से उधर सारी गांव है, एक बहुत बड़ा उधर साइड थराली गांव सोना, सो उनका आने जाने का पूरा वो टूट चुका है पुल, इधर उधर उनका जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, जो उधर है वो उधर, जो इधर है वो इधर, तो ऐसा हो चुका है। और देख सकते हैं आप सब कुछ, और लोगों के घरों में, हाँ और लोगों के घरों में पानी घुस चुका था। रात को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी, थराली बाज़ार की जो है नदी वो भी बहुत ब्लॉक कर दी थी पूरी इसका देरे ने। सो बादल फट गया तो ऊपर से इस वजह से ये इशू आया, बहुत बड़ा इशू था। सो गाइज अभी यहाँ गाड़ियाँ भी खड़ी थी, अभी कंफर्म मुझे न्यूज़ नहीं है, मतलब जितना मुझे पता है सो यहाँ गाड़ी भी खड़ी थी और वो भी साथ में बह गई, इसी में इसके साथ ही साथ वो भी बह गई थी जो गधेरा आया। ये बादल फटा ऊपर से, देख सकते हैं कितनी तबाही मचा दी उसने, चेक करें आप। बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है सोच के और बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है देखिए, क्योंकि मैं दिखाऊँगा अभी आपको लोगों के घर में क्या स्थिति हो चुकी है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोगों का घर टूट गया है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या बताएं, आप कुछ कह नहीं सकते गाइस। और बारिश कंटिन्यूसली आ रही है, अभी मैं आपको दिखाने के लिए स्पेशली आया हूँ और काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ से चेक करें आप, वहाँ पे घर है, मैं दिखाता हूँ वहीं जाके आपको करो गाइस। ये देखो यहाँ ये नॉर्मल सा गधेरा है, ये नदी नहीं है और इस टाइम ये इतना भयानक बन चुका है। आप लोगों को दिखाने के लिए मैं स्पेशली यहाँ पे आया हूँ कि यार आप लोगों को दिखाऊँ मैं कि कितनी ज़्यादा हानि हुई है यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए। और बहुत ज़्यादा भयानक आया था ये कल रात, देख सकते हैं आप पूरा इतने बड़े बड़े पत्थर गाइस, देख रहो ये चेक करो कितना बड़ा पत्थर गाइस, और यहाँ चेक करो सारी दलदल बन चुकी है, ये पूरी रेती रेत हो चुकी है, इतना ज़्यादा पानी था, लाइक ऊपर तक पहुँच गया था ये पूरे पुश्ते तक। और ये इन लोगों के घर भी हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान। बहाव देखो गाइस कितना तेज है नदी का, और इनका साउंड सुनो बहुत ज़्यादा भयंकर है। मेरे पास तो गाइस मेरे पास रात की क्लिप भी है, आपको मैं रात की क्लिप दिखाता हूँ कि रात थराली बाजार की नदी कैसी हो गई थी, विंटर नदी, उसके बाद आपको क्लिप देखिएगा। तो गाइस चेक करो कितने बड़े बड़े पत्थर यार, कितने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं, देख सकते हो यार आप सीरियसली, ये देखो ये चेक करो। और ये यहाँ पे पूरा खेती खेत हुआ करते थे, लोगों के खेत हुआ करते थे, और ये देखो सारी फसल ख़राब हो चुकी है। यहाँ खेत थे सबके, जहाँ मैं चल रहा हूँ करेंटली यहाँ पे भी खेत थे, इधर साइड भी थे, तो सारे यहाँ इतना पानी था देखो, अब ये सारा खाली हो गया, अब देखो रेती रेत हो चुका है, इतना ज़्यादा पानी था। और देखो यहाँ पे घर भी एक सामने, भाई चेक करो भाई कैसे रह रहे होंगे, ओए गलत दलदल हो रहा गाइस, इनकी क्या हालत होगी यार, सोचने वाली बात है गाइस। ये पूरी पानी था यहाँ तक यार, और वहीं पे इनका घर, ये देखो ना आप, ये देखो मेन चीज ये देखो, और वहाँ देखो यार वहाँ लोगों के घरों में पानी, ये तो नया ही बना है शायद अभी यार, पेंट भी नहीं हुआ इसमें, सही से काम ही चल रहा था इस घर का गाइस, देखो और ऐसा हो गया, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है देख के सोच के। मीडिया वाले भी गाइस आए हैं यहाँ पे, कुछ चेक करो। सो गाइस ये यहाँ से देखो लेयर इतना ज़्यादा भयंकर पानी था कि वहाँ से निकल के वहाँ से फाड़ के उधर साइड से पूरा फाड़ते हुए
ये पूरा एरिया यहाँ तक आया है। यहाँ अभी किसी का घर है, देखो ये उसके घर के यहाँ पे, और यहाँ से निकलते हुए ये नीचे, ये मतलब पूरी लेयर बनी हुई थी, इतना सैलाब आ रखा था। और सामने वाला घर चेक कर सकते हैं कैसा हो रहा है, ये देखो सारा भाई, बहुत भयानक मंजर गाइस, बहुत भयानक मंजर, सीरियसली आई कांट एक्सप्लेन दैट, बहुत ज़्यादा भयंकर। अचानक ही रैंडमली आया, सोच के देखो गाइस कैसा, सोचने में ही कितना भयानक है कि यहाँ से, क्योंकि आप रेत देख सकते हो कैसी है, ये देखो ये सारी फसल थी यहाँ पे, को देखो चेक करो। और अचानक ही रैंडमली यहाँ से पानी आना, और ऐसा नॉर्मल पानी नहीं आना, बहुत भयानक पानी आना, लाइक इतना ज़्यादा भयंकर पानी कि आप रेत, आप जस्ट कर सकते हो, रेत देखिए कि कितना भयानक पानी आया होगा। शिट मैन गाइस, लोगों के घरों में देखो यार भाई क्या हालत हो गई है, यार हट, शिट मैन गाइस चेक करो यार, बाप जी सब खत्म हो गया है, अचानक सा आया ना यार, चेक करो यार गाइस, सिट अचानक सा आया है, हां या खतरा जगह है, मकान यूं छू रहे बताओ यार, तो प्रेम लोग यही तो रहते थे, सारा मलवा गाइस देख सकते हो यार, वो तो अच्छा भाग गए यहां से निकल के, अच्छा वो टाइम से चले गए वो, फोन आ गया किसी का, तो ये देखो यार गाइस, सारा खत्म हो चुका है ये देख सकते हो यार, ये चेक करो यार, नया घर बना हुआ लोगों का, ये वाला देखो खत्म, और ये देखो इतना ज्यादा प्रेशर था पानी का कि पूरा ये घर फाड़ते हुए गया पार, देखो कैसी हालत हो चुकी है, चेक करो यार सेट, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति यार, ये देखो ना यहाँ से, सोचो ना यहाँ से अगर पानी आया, किस लेयर से आया, कितनी स्पीड से आया होगा ना वो पानी, और ऐसा पत्थर भी कितने बड़े बड़े लाए उसने संग, ये दलदल देख के रात को आवाज कैसी आ रही थी, बहुत नुकसान हो गया गाइस, बहुत ज़्यादा नुकसान, जिनका ये घर है बेचारों बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया उनका यार, सीरियसली दलदल हो रही है, तो बाबा चेक करो यार, पूरा घर टूट गया देखो गाइस, लिटरली घर के अंदर देखो कितना सामान है यार, चेक करो कैसी तबाही है भाई, बहुत बुरी तबाही है सीरियसली, ये चेक करो, ये था वो घर का फ्रंट, कैसा हो चुका है यार, सारा पानी पानी, सब बर्बाद हो चुका है, ये यार गलत दलदल है यार, इधर से मत जा, इधर से आ, इधर चल, मैं आ रहा हूँ उधर से, तू चल, भाई क्या क्या बहा के नहीं लाया, ये चेक करो, पहले तो ये देख लो आप, यहाँ से स्टार्ट करो देखना, ये देखो किसी की छत ये पड़ी है, ओ माय गॉड, देखो गाइस लोगों का सामान पड़ा है यार, गटरियाँ पड़ी है, कपड़े पड़े हैं इसमें, क्या है आई डोंट नो, देखो चादरें पड़ी हैं वहाँ पे, वो देखो अटैचियाँ पड़ी हैं, वो देखो अटैचियाँ पड़ी है, चेक कर, पत्थर देखो गाइस, भाई क्या पत्थर, चेक करो यार क्या भयानक आया है, सारे छत बहती हुई आई है, और ये देखो ये सामान रख, ये देखो यार बहुत भयानक मंजर यार, बहुत भयानक मंजर, ये यहाँ से कदे रही आ रहा है, देखो कितने बड़े बड़े पेड़ और पत्थर अपने साथ बहाते लेकर आया है, बादल फट गया था ऊपर जैसे आपको मैंने बताया, ये लोगों की छतें बहते हुए, दीवार बहती हुई, सब ऐसे तरीके से आ रही है ना, इसके नीचे ना जाने क्या क्या दबा है,
तो हो गए सामान घर के, देखो बर्तन बर्तन ये देखो। घर बह के आ गए, छतें बह के आ गई, चेक करो बर्तन गाइस। तो गाइस इतना भयानक साउंड है इसका कि मैं आई डोंट नो कि मेरे कैमरे में वो साउंड आ रहा है इतना क्लियर नहीं, बट वैसे रियलिटी में मेरे को सुनने में इतना भयानक साउंड लग रहा है कि मैं जैसे बादल बोलता है ना, ऐसा कुछ ऊपर से अलग ही साउंड आ रहा है। और कल जो इसने इसी जो गदेरा बादल फटा था ये प्राणमती में, उसने अपनी पिंडर नदी पूरी ब्लॉक कर दी थी, पूरी पिंडर नदी ब्लॉक कर दी थी उसने, और वो जो ब्लॉक करी वहाँ से तो वो आगे से हमारी पिंडर नदी रुक गई और पूरा सैलाब पीछे 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 बढ़ते गई नदी, और काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल खतरे के निशान से काफ़ी ज़्यादा ऊपर बहने लगी थी वो, और पुलिस अलर्ट हो गया था, पुलिस वाले अलर्ट कर रहे थे सबको, और सब लोग जाग गए थे, हम खुद ही पर्सनली आ गए थे, सब लोग अपनी गाड़ियाँ हटा रहे थे इधर उधर, बहुत कोराम जैसा मच गया था। सो गाइस बहुत ज़्यादा डेंजर मोमेंट था वो, बहुत भयानक मोमेंट था। प्रे करूँगा यार तो गाइस यहाँ चेक कर सकते हैं, यहाँ भी पूरा कटाव कर दिया है नदी ने, ये देखो यहाँ ऊपर सारे लोग बस्ती है पूरी, एक पूरी बस्ती बस्ती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खतरे में आ गई है, डेंजर जोन में आ गई है वो। और नदी बहुत भयानक रूप लिया था नदी ने अपना, देख सकते हैं आप कितना भयानक स्पॉट बन चुका है यार, चारों तरफ खतरा बंधा हुआ ये देख सकते हैं आप, और ये पिंडर नदी बह रही है। सो गाइस यह है पिंडर नदी, चेक कर सकते हैं आप, इस रात इतना ज़्यादा पानी हो चुका था कि वो गेट टच करने वाला था, जो ये गेट सामने बना है ना इसे टच करने वाला था, बहुत भयानक स्पॉट हो चुका था ये, देख सकते हैं आप यार, ये है पिंडर नदी, ये पानी यहाँ तक पहुँच चुका है ऑलमोस्ट, और मार्केट ये रही, ऊपर आ गया था काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया था कल रात तो ये। सो गाइस ये चेक करो क्या हाल हो चुके हैं, रोड के टस चुकी है नीचे पूरी, और ठीक यहाँ पे नदी पहुँच चुकी है, जबकि जब ये नॉर्मल होगी ना कभी नदी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कितने ज़्यादा नीचे रहती है और कितने ज़्यादा ऊपर बह रही है खतरे के निशान से। और ये देखो एकदम मलबा भर चुका है, मतलब कल तो पूरी बैक मार रही थी नदी, बहुत ज़्यादा डरावना यार, बहुत ज़्यादा भयंकर मंजर था रात के अप्रॉक्स 12 बजे समथिंग, और मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि कौन वो गजर गधेरा आया था, कहाँ से आया था, मतलब मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से उसने ब्लॉक किया था आगे जाके। सो गाइस जो मैं अभी दिखा रहा था आपको जहाँ जाके जहाँ घर वर सब टूट रखे थे, देखा था आपने कैसी ज़्यादा हानि हुई थी वहाँ लोगों को, कितनी ज़्यादा परेशानी हुई थी, तो ये गधेरा है वो, ये वाला आया था प्राणमती और यहाँ फटा था बादल, और देख सकते हैं कैसा हो चुका है, आप चेक करो, इसने ये पिंडर नदी है हमारी बहरी जो, इसने इसे लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से ये नदी भी बैक मार गई थी पीछे और बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और बहुत भयानक रूप ले लिया था इस नदी ने। और गाइज ये तो ठीक है, और ये देखिए आप इधर भी चेक करिए रोड के क्या हाल हो चुके हैं, देखो ये दरारें पड़ चुकी है, ये जाने को तैयार है बिल्कुल ही नीचे, और ये ऊपर चेक करो यहाँ से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। सो गाइज जो भी पहाड़ों में इस टाइम ट्रेवल करते हैं भाई प्लीज़ ना करें, बहुत ज़्यादा डेंजरस है आजकल, खासकर आजकल, और देखो कितना भयानक मंजर है यार, देखो ना कितने ज़्यादा भयंकर रोड हो रही है, जबकि इतनी ज़्यादा चौड़ी रोड थी और रोड कट कट के पहाड़ आया, तो देखो कितना ज़्यादा भयानक हो चुका है, और यहाँ से रूट चेक करो यार, इतना भयानक सिस्टम है ये, देखो गाइस ये देखो गाइस इतना भयानक, और उस सामने मंदिर है देखो, मंदिर में पूरा पानी भर गया था और कुछ टूट रखा है वहाँ पे देखो,
रोड भी देखो जा रही है ऑलमोस्ट नीचे ही। हमारे स्कूटर हटा दे भाई यहाँ से, ये देखो, और ऊपर से पत्थर कितने बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं देखो गाइस। सो गाइज मैं आप लोगों को अभी जस्ट यहाँ का लोकेशन दिखा रहा था कि दरार पड़ी है यहाँ पे, सो देख सकते हैं आप। अभी मैंने आपको दिखाया और ये टूट भी गया है अभी मैं देखो यार चले गया। मैं आगे पेट्रोल पंप गया था फ्यूल अप करवाने, तो अभी ये निकल भी गया नीचे, चले गया मतलब नीचे। और बहुत भयानक से स्पॉट बन गया और बहुत ज़्यादा छोटी रोड है यहाँ पे, अब या ट्रेवल ना करे आजकल खासकर। और देखो गिर ही रहा है थोड़ा थोड़ा करके, सो मैं भी यहाँ से निकलता हूँ फटाफट से। तो गाइज यहाँ से व्यू चेक करो यार, ये देखो ये लॉक करा था और देखो कैसे समतल कर दिया नदी उनने थराली की, यहाँ से लॉक करके मैंने पूरा जूम कराया, देख सकते हैं आप। ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल कोई ताल होता है ना लॉक करके, थराली की नदी ऐसी कर दिया देखो वहाँ से। जबकि उसका लुक ऐसा था कि वो जैसे ये बह रही है ना पत्थरों में जैसे, ये तो सेम वैसी वो बहती थी, बट करंटली इतना ज़्यादा बहाव हो चुका है, उसने ऐसा लॉक करा है कि सारा मलबा पीछे की तरफ भर चुका है और पूरी नदी वो जो है लॉक हो चुकी है, देख सकते हैं आप कैसा लग रहा है यहाँ से। और जब वहाँ से अगर कोई सैलाब इधर से आ गया, इधर से बादल फटता हुआ कोई आ गया, तो वो ऑब्वियसली वो बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा खतरे में बह रही है अभी। और यहाँ पे टूट फूट भी देख सकते हैं कितनी हो चुकी है। सो गाइज बी सेफ बी केयरफुल, आप लोग जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, ध्यान रखें अपना। और मैं अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म करता हूँ। सो